मोदी जी इतने डरपोक क्यों हैं कि अस्थाना कहीं गुजरात के कांड नहीं सामने ले आए, इसलिए रात को 2 बजे बेचारे को बचाने के लिए 10-10 अफसरों को हटा दो। अरे एक दागी अफसर को बचाने के लिए 10 अफसरों को आप कहीं भेज देते हो, अंडमान कहीं भेज देते हो, नागपुर सबको दिल्ली से हटा दिया, क्योंकि एक दागी अफसर को बचाना है। वो दागी अफसर है अस्थाना। अस्थाना के पास आपके बहुत अफसाने हैं, उन अफसानों को कहीं अस्थाना बाहर न कर दे। बात तो यह है कि अस्थाना का जो अफसाना है कहीं वो अंजना जी को मालूम न पड़ जाए, देश को मालूम न पड़ जाए अंजना जी के अफसाने। वो जवाब रात को दो बजे पुलिस के पहरे में, पुलिस के पहरे में नया सीबीआई डायरेक्टर जाता है अंजना जी रात को दो बजे। ठीक है, जवाब ऑफ एविडेंस, ये एक और आरोप है। वहां जाकर आप क्या सबूत हटा रहे थे, क्या सबूत नष्ट कर रहे थे? अरे पवन जी आपने सारे सारे आरोप लगाए, जवाब अभी सरकार चलाइए, अभी जवाब दीजिए। ये कहानियां किससे, कवि शेर अंजना जी बहुत अभी अंजना जी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने भी किया, और यहां पर आप देख रहे हैं पवन खेड़ा कर रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, डर के मारे उनकी आवाज नहीं निकल रही। मोदी जी डरे हुए हैं, मगर राहुल गांधी जो बेल पे बाहर है 5,000 करोड़ के गबन के केस पे निर्भय होकर इससे ज्यादा डरपोक आदमी कौन होगा? चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए, आपने मुझे कहा चुप हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अंजना जी आप इनको शांत कराएंगे? मेरा देश का प्रधानमंत्री ने अंजना जी आप शांत कराएंगे? अधिकारी से डर गया बोलने देंगी या इसी प्रकार के पवन जी? अंजना जी उचित नहीं है, पवन जी इनको अब ये ठीक बात नहीं है। ठीक है सर, अब आपने बोल लिया, एक बार जवाब तो सुनिए ना सर, सवाल पूछा आपने तो आरोप लगाया, जवाब डरते हैं तब तक जासूसी करते हैं। पवन जी अंजना जी आप इनको शांत करा लीजिए या तो फिर डिबेट आप और उनके बीच में करा, थोड़ी थोड़ी आप दोनों बात कर लीजिए। साहिब जब डरते हैं तब जासूसी करते हैं। चलिए अब अंजना जी आपको मुबारक हो, आपका डिबेट आप करिए बात। पवन जी जवाब सुन लीजिए सर, कोई बौखला नहीं रहा है अंजना जी, डिबेट का एक परफॉर्मा एक फोरम होता है, वो अगर मेंटेन कर सकते हैं तो डिबेट करिए, वरना मुझे भी चिल्लाना आता है अंजना जी। कभी गाय के सींग गिनने लग गए। ठीक है अंजना जी, अगर बदतमीजी करने के लिए यहाँ बुलाया गया है तो बदतमीजी को शांत करिए पहले। पवन जी आपने सारी बातें कह ली, बहुत सारे आरोप लगाए और मुझे बात चलने वाली, छोड़िए सीधी सीधी बात करिए। हरियाणा के अंजना जी आजकल आप डिबेट कर रहे थे, ठीक है, इसका जवाब इसी पॉइंटेड सवाल का वो जवाब दे रहे हैं। घबराए हुए हैं इतने प्रधानमंत्री, डरे हुए उनके सारे स्पोक्समैन डरे हुए। अरे इस देश में आप जब तक डकैतों से डरे क्या, किससे डरे? माँ बेटे दोनों, माँ बेटे दोनों डकैती के चार्ज पे बेल पे बाहर, 5,000 करोड़ रुपए तो डकैती होती है ना, तो चोरी भी नहीं होती। अरे अनिल अंबानी तो वापस आइए सर प्लीज, इससे बड़ा डकैती एक संजीदा विषय पर हम बहस कर रहे हैं। एक सेकंड सर, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी की साख खतरे में है, आप दोनों कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं बहस में, ये बहुत अफसोसनाक है। बादशाह है प्लीज, आप दोनों से मैं निवेदन कर रही हूँ, सीबीआई का मतलब है इस देश में कुछ, उसकी साख दांव पर है। और यहाँ पर हम चर्चा उसी विषय पर करें तो अच्छा है, पहले गुजरात विषय पर आप पूरे देश को लूटने आ गए, उसी विषय पर करें प्लीज प्लीज। मिस्टर पवन खेड़ा, जो आपने पॉइंटेड सवाल पूछा है स्नूपिंग को लेकर, उसी पर जवाब करते हैं, उसी पर जवाब दीजिए। रफेल पर ही कर रहे हैं, डकैती हुई या नहीं रफेल में, सामने डकैती हो रही है और डर जाते हैं तो स्नूपिंग करवा देते हैं। पवन जी हमारी जासूसी, हमारे फोन, इनके फोन, अरे फोनों से इंटरसेप्ट करके क्या मिलेगा, वो सच बोल रहे हैं। ढंग से होने दे, या तो आप बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस की बात जाने दीजिए, बीजेपी की आवाज बंद कर दीजिए। अरे यहाँ आपकी नहीं चलेगी, अपनी बारी में ही बोलना पड़ेगा क्योंकि बिना नियम बनाए, ये चैनल आपका गुलाम नहीं है कि आपकी बात, गुलाम कोई नहीं है, गुलाम कोई नहीं है सर, लेकिन निष्पक्षता के साथ बहस के लिए बराबर का वक्त देना पड़ेगा। इसे पवन खेड़ा जी आपने अपनी बात कह ली है, प्लीज जवाब दे। आवाज दबाने का ठेका आपने लिया होगा, आज तक नहीं करता ऐसा काम। पवन जी एक सेकंड प्लीज सर, मिस्टर पात्रा जी जरूर। देखिए अंजना जी, मैं पहले तो एक आपत्ति दर्ज करता हूं, इन्होंने जिस प्रकार के शब्द, मक्कारी शब्द का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, चोरी शब्द का प्रयोग किया, राहुल गांधी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री भाग गए हैं, मैं कहता हूं जमानत पे जो परिवार बाहर है और वो भी 5,000 करोड़ रुपए के जमानत पे, इस प्रकार से सीना ठोक के उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शोभा। अरे तड़ी पार पार्टी का अध्यक्ष, जहां तक सीबीआई, अरे तुम्हारी पार्टी दीजिए तड़ी पार था प्लीज सर। नहीं 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 नहीं, आपत्ति तो हमें भी हो सकती है, ये डकैत बोल रहे हैं, फिर ये चालू हो गए, सुने अरे तड़ी पार है या नहीं बताइए, अमित शाह तड़ी पार का आरोप लगा था या नहीं लगा था बताइए की बात है। देखिए सर यही है ना संबित जी, है या नहीं बताइए, मैं इसका जवाब दीजिए। शब्दों की जब आप गरिमा को भूल कर अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऐसे ही बहस होगी। सड़क की लड़ाई और स्टूडियो की बहस में अब कोई फर्क रह नहीं गया है।
नहीं अगर और मैं सभी प्रवक्ताओं से निवेदन करती हूँ कि थोड़ी सी भाषा की गरिमा को बनाए रखें ताकि घरों में लोग बैठकर इस बहस को देख पाए। प्लीज आप दोनों से मेरा निवेदन, प्रधानमंत्री अगर डरपोक है ऐसा तो आप काम करिए ताकि जनता सुन तो सके। इस प्रकार से अंजना जी डरपोक में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं चाहता हूँ डरपोक में चोर डकैत जैसे शब्दों के इस्तेमाल से परहेज करना पड़ेगा। अनपार्लियामेंट्री भी नहीं, मेरा प्रधानमंत्री डरता है, माफ कीजिएगा, डरपोक में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, उनको अपना जवाब पूरा करने दीजिए पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी उनको अपना जवाब पूरा करने दीजिए। सामने दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, आप डरपोक पे आपको आपत्ति क्या हो सकती है? मैं जानता हूँ मेरा प्रधानमंत्री, आप इतना आपत्ति सब्यूट होने की क्या आवश्यकता है कांग्रेस के प्रवक्ता के आगे? मैं आपकी तरह गाली गलौज नहीं कर सकती ना सर, मैं बैठकर टीवी पर हर किसी को चोर और डकैत नहीं कह सकती। और मेरा आप दोनों से निवेदन है कि प्लीज विषय पर वापस आए, स्नूपी पर सवाल का जवाब दें। आपका सम्मान, आप मुझे बताइए, बात नहीं मान रहे हैं। सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है सर, हम लोगों को सम्मान की जरूरत नहीं है, सवाल के जवाब की जरूरत है। और सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, स्नूपिंग कराई जा रही थी या फिर नहीं? यहाँ नहीं हो पा रहा है, प्लीज मिस्टर खेड़ा, प्लीज सर डीरेल मत कीजिए बहस को। ये कहने में अपशब्द कहाँ हुआ? आप लगाइए लगाइए, आप लोग डीरेल मत कीजिए, मुझे इतना तो जवाब दे दीजिए प्लीज। मैं भी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या डर कोई बात नहीं अंजना जी, अगर यहां आज तक पे नहीं हो पा रहा है डिबेट कोई बात नहीं, इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है, कोई दूसरे चैनल पे हम विषय रखेंगे, अगर डरपोक बोले और डकैत बोले तो डकैत अपशब्द है या डरपोक अपशब्द है, आप बताइए। संबित पात्रा क्या बोल रहे हैं आप, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं अगर यहां पर पवन जी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें विषय रखना है, बाकी चरणों में रख देंगे, कोई विषय अच्छा, नहीं है। हम मतलब आप खुली धमकी दे रहे हैं मुझे आज तक पर, आप मुझे धमकी दे रहे हैं आज तक आप पर। देश आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। अगर नहीं हम आपके हमारी बात सुनना नहीं चाहते तो फिर हम भी बोलने का मौका दे रहे हैं। ऐसे हजारों मौके आते हैं जब आप भी चुप नहीं होते हैं, मैं भी लगातार उनको चुप होने के लिए ही बोल रही हूँ। बिल्कुल ना, तो मैं यहाँ से बहुत बड़ी कंट्रोलर नियुक्त हुई हूँ इस देश में, ना आप हुए हैं कि खुली बैठकर धमकी दे। विषय पर वापस आइए, आप दोनों से मेरा निवेदन है, विषय पर बहस कीजिए और नाटकीय अंदाज को बिल्कुल दूर रखिए, चोर डकैत जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद कीजिए, सीबीआई की साख दांव पर है, इसकी गंभीरता को समझिए। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी, कभी किसी का कहीं मर्डर होता है, बड़ा से बड़ा स्कैम होता है, लोग कहते हैं सीबीआई की जांच कराओ, आज उसी सीबीआई में ऐसा तूफान है, सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसी का जवाब दीजिए। राहुल गांधी डकैत है, चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, डकैत है, आप दोनों से मेरा निवेदन है, प्लीज ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए।